नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कार एंड टायर व्लॉग में। मैं मनोज यादव लेकर आया आपके सामने एक वीडियो। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप जो गाड़ी अपने सामने देख रहे हैं MG के नाम से आती है दोस्तों, ये MG की एस्ट्रो के नाम से अभी लॉन्च की है कंपनी ने। और इससे पहले इसका एक इलेक्ट्रिक वर्जन आता था 2020 में, कंपनी ने उसको लॉन्च किया था MZ-CV के नाम से। बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में, तो ये गाड़ी जो है आपको 5 कलर ऑप्शन में मिलती है। सबसे पहले जो है ऑरेंज, ब्लैक, वाइट, रेड और सिल्वर। अभी आप जो गाड़ी सामने देख रहे हैं एस्टर है और सिल्वर कलर में आप अभी देख रहे हैं। सामने MG का लोगो लगा हुआ है दोस्तों। ग्रिल जो है बहुत ही प्यारी है इसकी। और बात करें इसके इंजन ऑप्शन की, तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। 1.5 पेट्रोल का इंजन आपको इसके अंदर मिलता है, 110 BHP पावर ये जनरेट करके देता है। और एक दूसरा ऑप्शन आता है आपको 1.3 टर्बो लीटर का, 140 BHP की पावर इसके अंदर आपको मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया 5 कलर ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलते हैं। LED हेडलैम्प्स इसके अंदर आपको मिलते हैं, इंटेलिजेंट हेडलैम्प्स। और फॉग लैंप की बात अगर हम करें तो वो हैलोजन मिलती है आपको। रेडार सिस्टम इसके अंदर मिलता है। सामने जो लोगो लगा हुआ है MG का, उसी के नीचे जो आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। ऑटोमेटिक रेन सेंसर वाइपर मिलते हैं। डायमेंशन की अगर हम बात करें तो डायमेंशन इसमें विड्थ आपको 1.8 की मिलती है, हाइट 1.65 और लेंथ जो आपको इसके अंदर मिलती है 4.8 की मिलती है दोस्तों। ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत ही लाजवाब है। और टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो 215/55/17 का टायर साइज़ इसके अंदर आपको मिलता है। ट्यूबलेस टायर आपको इसके अंदर मिलता है दोस्तों। और वेंटिलेटेड जो है डिस्क ब्रेक आपको चारों टायरों में मिलते हैं। कैमरा जो है इसका, दूसरा जो कैमरा है वो साइड मिरर जो आता है आपका टर्न इंडिकेटिंग जिसे कहते हैं आप, उसके नीचे जो है एक और कैमरा इसके अंदर लगा हुआ है, ये देखिए दोस्तों। और पैनारोमिक सनरूफ इसके अंदर आपको मिलती है। 400 जो इसका फ्यूल टैंक है, 48 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। और दोस्तों फ्रंट व्हील ड्राइव आप को इसके अंदर मिलती है। रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलता है। LED हेडलैम्प्स मिलते हैं और LED जो है टेल लैम्प्स भी इसके अंदर आपको मिलते हैं दोस्तों। रियर वाइपर, रियर डिफॉगर। बूट स्पेस की अगर हम बात करें दोस्तों तो 470 लीटर का बूट स्पेस इसके अंदर आपको मिलता है। पीछे से देखने में जो इसका बैक का लुक है वो बहुत ही अच्छा है। और MG का लोगो लगा हुआ है दोस्तों। ऊपर डिफॉगर, रियर वाइपर लगा हुआ है दोस्तों। एस्टर का लोगो लगा हुआ है। बैजिंग भी हो रखी है इसकी। ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। और 470 लीटर का जैसे मैंने आपको बताया बूट स्पेस इसके अंदर मिलता है। स्टेपनी जो आपको इसके अंदर मिलेगी 16 इंच की स्टेपनी मिलेगी। स्पोर्टी लुक के साथ गाड़ी आती है दोस्तों। लेदर सीट इसके अंदर मिलेगी। हेडलेस इसका जो है एक यूनिक फीचर भी है दोस्तों, आप जो है मोबाइल ऐप के थ्रू अपनी कार को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। स्पोर्टी लुक में देखने को मिलती है ये गाड़ी। लेदर सीट इसके अंदर आपको मिलती है। हेडरेस्ट मिलता है रियर में और आर्मरेस्ट मिलता है। कप होल्डर मिलता है। USB पोर्ट जो है रियर में मिलता है दोस्तों। इसका जो डैशबोर्ड है उसमें कलर ऑप्शन है, ब्लैक और रेड दोनों कॉम्बिनेशन से जो है डैशबोर्ड को तैयार किया गया है। SRS एयरबैग इसके अंदर आपको मिलते हैं। और इसके अंदर जो है आपको 4 पावर विंडो मिलते हैं। फ्रंट ड्राइवर की सीट से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रीमियम इंटीरियर इसके अंदर मिलता है। 6-way पावर एडजस्टेबल सीट्स ड्राइवर साइड की तरफ से, मान लीजिए आप ड्राइवर सीट पे बैठे हुए हैं और आप जो उसको 6 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। तो दोस्तों ये सभी फ़ीचर जो है MG की नई गाड़ी जो लॉन्च हुई है अभी MG एस्टर, इसमें ये सभी फ़ीचर्स मिलते हैं। और सबसे अच्छा फीचर्स दोस्तों इसका ये है जो पैनारोमिक सनरूफ इसके अंदर आपको मिलती है अभी फ़िलहाल के टाइम पे। तो आने वाले समय में जो है दोस्तों ये बहुत गाड़ी ग्रो करेगी। तो लास्ट तक आपने वीडियो को देखा दोस्तों। वीडियो में अगर आपको कुछ कमी लगी हो तो वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हम आपके लिए बनाएँ उसमें आपको सारी जानकारी मिल पाए। कोई भी जानकारी आपको इस गाड़ी से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपके सवालों के जवाब जो है आपको दोबारा से दे सकूं। ये देखिए दोस्तों 215/55/17 का जो है इसके अंदर टायर साइज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो मिलेगा। 16 इंच की स्टेपनी मिलेगी दोस्तों, वो छोटी मिलती है। तो गाड़ी देखने में बहुत ही स्पोर्टी लुक के साथ आती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और जिसके जो डोर्स हैं दोस्तों बहुत ही हैवी है,
जैसे टाटा के डोर्स हैं, टाटा की बिल्ड क्वालिटी है, वैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है दोस्तों। और ओवरऑल गाड़ी जो है बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों लास्ट तक आपने वीडियो को देखा है, वीडियो में जो आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि नए नए कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ आप जो है कार के शॉर्ट्स देख लीजिए, इंजॉय कीजिए, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों।